आ गए हैं हम वाइन एंड बियर शॉप, और ये देखो कितनी बड़ी है भाई। हेलो नमस्ते सबको, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस उठ गया हूँ मैं, थोड़ा लेट उठा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 10:30 या शायद 11 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। पीछे तुम देख रहे हो लक्ष्य भी उठ चुका है आज, तो मिठाइयाँ बंटवा दो क्योंकि चमत्कार हो चुका है। तो अभी चल रहा है हमारा ब्रेकफास्ट टाइम, तो अभी मैंने ब्रश करा है उठ के, तो अब करेंगे हम ब्रेकफास्ट। तो चलो चले ब्रेकफास्ट करने, देखते हैं क्या बना है आज। गाइस आज बन रहे हैं घर में हमारे टोस्ट आलू वाले, और यहाँ पे है डेजी हमारी, ये डेजी सुंदर सुंदर, बस नहीं नहीं तो बदबू मार रही है, बट वो आपको पता नहीं चलेगा, तो इस आपके लिए तो सुंदर ही सुंदर। तो खाते हैं अब ब्रेकफास्ट को। गाइस अभी बैठे हम मैं और डेजी बाहर बालकनी में, एंड धूप तो हो नहीं रही पर मैं तब भी बैठा हुआ हूँ। डेजी मज़ा आ रहा है? मज़ा क्या, घंटा है, ठंड हो रही है। बट यहाँ पे आके डेजी थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आके देखो यहाँ से वो नीचे देखती है सबको और भौंकती रहती है अपना, वो देखो। तो ये तो आके काम पे लग गई। गाइस आज है बड़े पापा का बर्थडे, मतलब मेरे ताऊ जी का, माइन के पापा का। तो मैं सोच रहा हूँ अब क्या गिफ्ट करा जाए उनको। मैं या तो सोच रहा हूँ कि वाइन पीते हैं बड़े शौक से बड़े पापा, मतलब थोड़े थोड़े दिन में ओकेजनली, तो हम सोच रहे हैं कि वाइन गिफ्ट कर दें, बट सोच रहे हैं, बट और कुछ भी हो सकता है, अभी पक्का नहीं है वाइन का। तो देखता हूँ मैं नीचे जाके क्या सीन है, क्या कौन सी कर सकते हैं वाइन गिफ्ट। जाता हूँ अभी मैं, देखता हूँ कौन कौन सी पीते हैं बड़े पापा। वो होती है, हाँ वो वाइन नहीं होती, वो मतलब दूसरी होती है, नहीं शैंपेन भी नहीं होती, वो स्कॉच स्कूच होती है, पता नहीं कुछ शायद। अभी देखता हूँ मैं कौन कौन सी पीते हैं। दादी राम राम, राम। एक तो है हमारी सुला, एक है ये है निसी, भी बड़ी एक्सपेंसिव होती है। देखते रहा कोई, या तो नहीं रहा सुला, रेड लेबल। तो हमारे ऑप्शंस हैं सुला, ओ ये कौन सी है, ये तो शैम्पेन है, शैम्पेन तो क्या ही देंगे, देखते हैं कुछ ये वाली दे देंगे। चलो ओके, मिल गई हमें इन्फॉर्मेशन। तो गाइस अब मैं थोड़ा मुंह वगैरह धो के अच्छा सा बन जाता हूँ, एंड फिर चलते हैं बड़े पापा के गिफ्ट लेने। तो प्लान ये है कि हमें लेनी है रेड लेबल लेनी है, सुला उला नो अपने को नहीं जमता, रेड लेबल देंगे आज बड़े पापा को। तो मैं तैयार हो जाता हूँ। तो गाइस अभी मुझे याद आया कि एक और दिक्कत है, मैं एक्चुअली 18 का हूँ और 21 का नहीं हूँ, तो शायद मुझे वाइन मुझे दे ना वो लोग, तो मेरे साथ जा रहे ड्राइवर भैया, उनकी आईडी दिखानी पड़ेगी अब, और अगर वो दे देते हैं तो व्यूज पैसा ही पैसा, गौतम आदरे फेमस। तो मैं रेडी हो चुका हूँ, तो अब चलते हैं। एंड अगर तुम गुड़गांव कभी आए हो तो गुड़गांव तुम्हें पता ही है, यहाँ पे दो ही चीज़ें फेमस है, एक तो काफ़ी अच्छे हाईवेज वो मैं मानता हूँ, एंड दूसरे ठेके। तो हमारे यहाँ 4-5 ठेके हैं आसपास, और अब मैं सोच रहा हूँ कि कौन से वाले पे जाऊँ। तो मुझे याद आया एक नया ठेका खुला है, वो भाई ऐसा ठेका है कि गाड़ी का शोरूम उसके आगे, मतलब बेकार सा लगे ऐसा है, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। तो अब चलते हैं ठेका, तो चलो चले, मुझे लगा नहीं था कि ये कभी बोलूँगा मैं कि ठेका चलते हैं, तो चलो चले ठेके पे। तो भाई अभी कपड़े बदलते मैंने चेक करा वॉलेट वगैरह में कर ही रहा हूँ मतलब, तो मुझे मेरे कहीं पैसे नहीं मिल रहे जो 2000 मम्मी ने बॉटल के लिए दिए थे, तो वही ढूंढ रहा हूँ यार मेरी फट रही है, क्योंकि पहले भी पैसे संभाल के रखने में मेरा रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा नहीं है। देखता हूँ कहाँ रख दिए मैंने यार, नहीं यहाँ तो नहीं है, भाई अब दिमाग खराब हो रहा मेरा, क्या करें। देखो ये जैकेट मैंने पहन रखी थी, 110% इसी में ही है,
हो बच गए बच गए बच गए बच गए। अब इसको पहले वॉलेट में डालू वरना खो जाएंगे मुझसे। सेफ। तो गाइस ड्राइवर भैया अभी है नहीं और उनके बिना जा नहीं सकते ऑब्वियसली, तुम्हें पता ही है क्यों। तो अभी ये कितने अजीब लग रहे हैं बाल जो निकले। तो अभी फिलहाल 2 बजे मेरी क्लास है, तो क्लास लेके कॉलेज की फिर चलेंगे गिफ्ट लेने। तो गाइस अब चलते हैं बाहर गिफ्ट लेने बड़े पापा का। तो वैसे तो प्लान खाना खाने का था, भूख लग रही थी, बट मैंने पूछा तो पता नहीं सब बिजी हैं अपने में। 3 बज चुके हैं, वैसे तो भूख लग रही थी, बट चलो कोई नहीं बाद में देखते हैं। अब चलते हैं पहले गिफ्ट लेने बड़े पापा का। आज आ गए हैं हम वाइन एंड बियर शॉप और ये देखो कितनी बड़ी है भाई। ये देखो गाड़ी के शोरूम जैसा है। तो अभी चलते हैं अंदर देखते हैं देते हैं कि नहीं मुझे, फिर अगर नहीं देंगे तो भैया को बुलाना पड़ेगा ड्राइवर भैया को। तो चलो चलें मैं बताता हूँ। ये देखो ले ली मैंने और बिना आईडी देखे इन्होंने दे दी है। तो अब चलते हैं घर। तो गाइस गुड़गांव में शराब लेना इतना आसान है बिना आईडी के। 18 साल का हूँ मैं, तो मैंने ड्राइवर भैया को बोल भी रखा था कि भैया अगर ज़रूरत पड़े ना तो आ जाना। भैया ने कहा कोई दिक्कत नहीं आ जाऊँगा, और ज़रूरत पड़ी ही नहीं उसने। मतलब मैंने बोतल लेके गया काउंटर पे, कैश काउंटर पे, उसने कहा इतने हो गए, मैंने दे दिए और बस आ गया मैं। और बस इतना सिंपल है। तो गाइस थोड़ा सा साइड नोट, मैं बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं पीता, ना मैं प्रमोट करता हूँ अल्कोहल। मेरे घर में बड़े लोग पीते हैं तो मैंने बड़ों पे ही छोड़ रखी है ये सब चीज़ें। मैं खुद अभी तक आज तक तो मतलब नहीं करी है, एंड मैं तुम्हें भी सजेस्ट करूँगा, बाकी तुम्हारी लाइफ है ऑब्वियसली, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, बट मैं सजेस्ट यही करूँगा कि अल्कोहल से दूर रहें अल्कोहल, क्योंकि आपकी सेहत के लिए हानिकारक है ऑब्वियसली। तो बैक टू द ब्लॉग। तो गाइस अब बज चुके हैं 6 एंड टाइम होता है जिम का, तो चलो चलते हैं, तो मैं मिलता हूँ आपको जिम के बाद। तो गाइस हो गया है वर्कआउट ख़त्म, मस्त हो गया वर्कआउट, अब चलते हैं ऊपर। मैंने फिर से अच्छे से कपड़े पहन लिए हैं क्योंकि अभी केक कटेगा ना, तो इसलिए। तो अभी चलते हैं नीचे देखते हैं व्हाट्सअप। गाइस आ चुका है बड़े पापा का केक, ये तो देखो बता दे मैंने बनाया। अरे हाँ हाँ ये हिमांशी ने मंगाया है, ये देखो असली शिवासरी गल है इसके अंदर, ये असली होगी भी बात हुई है मेरी उससे, कहीं वो हो जाए पर लग बढ़िया रहा है। बानू भी लाया है जैक डैनियल्स भाई, पापा को कुछ पसंद नहीं आता तो एक ही चीज थी जो लगा के। तो गाइस अब इंतजार हो रहा है बस बड़े पापा के आने का, फिर काटेंगे हम बड़े पापा का केक, तो जब आते हैं तो दिखाता हूँ आपको। तो गाइस आ गए हैं बड़े पापा, तो ये रही बॉटल, अब चलते हैं केक कटिंग हो रही है। पहले विश भगवान से मन में फूल तो मारो फिर मांग के। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बड़े पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। दारू डीजे डांस इधर भी और इधर भी। तो गाइस अब हमने मंगवाया है पिज्जा, अब खाएंगे सब। अभी पहले मंगवाया था अभी। हाँ जब भी चालू भी कर दिया। तो गाइस इसी नोट पे यहाँ होता है आज का ब्लॉग समाप्त। तो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को कर देना लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर तुमने अभी तक नहीं करा है। 63% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ कर दो। एंड मैं मिलूंगा आपसे कल। इट्स मी गौतम माधरे साइनिंग ऑफ, बाय बाय। तो हम क्या करें अब जाने दो बातें का।
तो तेरी यादें जो